जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ हमारा टूर जा रहा है जी अजीजिया अलमेर। ये जी हमारे साथ है बहस आज फिर शुरू है। अभी लिफ्ट में बैठेंगे और बैठ के फिर नीचे जाएंगे। किधर जा रहा है फैन रो इधर तू ले। हाँ 15,000 के तिल्ले वाला तिल्ला जोगियां बरात ते मुखा पाया सी ना जी कितने बनवाया सी स्पेशल साई ते नहीं बनवाया सी साई ते उन वाहन आया 5,000 ही थे सर वापस ले ले जीते जाने जीते किसी ने मेहंदी मुंडी ते जाने इको जी देनी अजीजिया जी हम अजीजिया आ गए हैं अलबेग के पास। अभी अलबेग लेने जा रहे हैं। ये सामने अलबेग ये बिल्डिंग है जी बड़ी बड़ी लो जी अलबेग खा गया है स्पाइसी अभी अजीजिया में घर की तरफ रवा दवा हैं। थोड़ी वॉक भी कर रहे हैं। ये अभी मोबाइल सेंटर है यहाँ से कोई भी मोबाइल ख़रीद सकता है। अजीजिया हद्दाद नाम है इस जगह का मक्का मुकरमा में। अभी नवा अजान हो रही है और अजान के टाइम यहाँ पे तो शॉप सारी बंद हो जाएंगी। दुकानें सारी ये देखें ये मोबाइल की शॉप्स हैं टोटल। अजीजिया खूबसूरत व्यू चांद भी निकला हुआ है चांद भी चढ़ा हुआ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बहुत ही प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स और होटल हैं हाजियों के लिए। ये पेट्रोल पंप बंद है अभी। ये मस्जिद है जामिया शेख अब्दुल अजीज बिन बाज मस्जिद। ये देखो जी फुल व्यू। ये फ्लावर शॉप है फ्लावर शॉप है जी। ये यहाँ पर आप हर किस्म का फ्लावर ख़रीद सकते हैं ओरिजिनल भी और आर्टिफिशियल भी। कर नहीं रहे बिंदौद अभी हम बिंदौद में इंटर होने लगे हैं। बिंदौद ये रोदा अजीजिया वाला है शीशा कुबरी रोदा में ये है बिंदौद बड़ी ब्रांच है। ये ऑफर वाली चीज़ें हैं बाहर जो ऑफर वाली चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं सारी टोटल चॉकलेट्स वगैरह
ये जी अपने पाकिस्तान के चावल है ओरिजिनल कर्नल बासमती सादा वाले अभियत वाइट को बोलते हैं। ऑफर लगी हुई है 5 किलो 34.50 रियाल खलाला। जो ओरिजिनल कीमत है वो ये है 38.50 रियाल खलाला। ये रिजवान साहब हैं जेलम से। हाँ जी कोई बोल। ये सारे स्टॉक हैं टोटल। ये दूध है, ये दही है। अभी आइसक्रीम की तरफ जा रहे हैं, आइसक्रीम देखना कोई सस्ती है कि नहीं। फ्लेवर ही वनीला फ्लेवर दो टैक्स पाक ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਰਿਆਲ 3.5 ਰਿਆਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਚ ਬਲੈਣੀ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੈਚਪ ਰਜ਼ਮਾਨ ਲੈ ਲੈ ਬਟੇਰੇ ਯਖਨੀ ਬਣਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਯਾ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਾ ਸਰਦੀ ਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਏ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਛੇ सेम रजवान जैसा कमर खुश हो रही कमर। अभी बिंदौत से निकल आए हैं, अब रोड क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना है, उसके बाद फिर घर को आराम से। जी अभी टूर खत्म करके घर को जा रहे हैं। ये सामने टनल है, अरबी में नफक बोलते हैं इसको। ये इधर से ये रोदा से आता है रोड, डायरेक्ट हरम में जाता है ये। अभी हम नफक में एंटर होने लगे हैं, नफक टनल के अंदर जाने लगे हैं। ये स्पीड लिखी हुई है जी, 60 की स्पीड तक जाना है। लो जी ये टनल जी दो हिस्सों में है, आगे एक और रास्ता अंदर की तरफ जाता है जिसे मलावी कहते हैं। यहाँ पर गाड़ियों का शोर बहुत है, शायद आपको मेरी आवाज़ ना आ रही हो। ये जी अभी एक टनल ख़त्म हो गया है, अभी दूसरे टनल में जाएंगे, फिर सामने अल हरम आ जाएगा, हरम की पार्किंग होगी। लीजिए जी अब हम दूसरे टनल में इंटर हो चुके हैं। लीजिए टनल हो गया ख़त्म। ये जी सामने हरम पाक, ये सामने उसकी पार्किंग है, पार्किंग एरिया है, और पार्किंग एरिया के पास से सीधा आप हरम जा सकते हैं। अभी तो जाना मना है,
पहले तो जब दिल करता था चले जाते थे, लेकिन अभी क्योंकि कोरोना है वो इजाज़त लेके जाना पड़ेगा। तवाफ़ बंद है, उमरा के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और नमाज के लिए भी इजाज़त लेकर जाना पड़ेगा, परमिशन के बिना एंट्री मना है हरम में जाने के लिए। किन्ने आज तो 2 किलो वजन भी घट चाहिए सी। जी अब हम घर आ चुके हैं और बस 5 मिनट का रास्ता है। अल्लाह हाफिज़।